बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, ताइवान के राष्ट्रपति से मिली है नैन्सी पोलोसी। राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन से नैन्सी पोलोसी मिली है। ताइवानी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद यूएस स्पीकर ने बयान भी दिया है, ताइवान और अमेरिका की दोस्ती बेहतरीन है, ये नैन्सी पोलोसी का कहना है। तो पेलोसी का ये कहना है, दरअसल दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि ताइवान की राष्ट्रपति ने मुलाकात की है, तो नैन्सी पेलोसी का ताइवान में स्वागत है, राष्ट्रपति त्साई इंग का ये कहना है। पेलोसी, नैन्सी पेलोसी ने मुलाकात की और उसके बाद दोनों के रिश्तों को बेहतर रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ताइवान की धरती से चीन को संदेश देने की जो कोशिश है वो दी है, ताइवान हमेशा शांति के साथ खड़ा है, ताइवान पीछे नहीं हटेगा, त्साई इंग-वेन ने ये कहा है। लोकतंत्र को लेकर नैन्सी पेलोसी की प्रतिबद्धता सराहनीय है, ये भी कहा है। नैन्सी पेलोसी का ताइवान में स्वागत है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति से नैन्सी पेलोसी ने मुलाकात की और इस दौरान तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की दोस्ती और जो दोस्ती है ताइवान और अमेरिका की वो बेहतरीन है, हर स्तर पर ताइवान का साथ हम देंगे, नैन्सी पेलोसी ने ये कहा है। हम ताइवान को दोस्ती का संदेश देना चाहते हैं, हमें हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हर पल ताइवान के साथ खड़े हैं, पेलोसी ने ये कहा है। अभी कई और अमेरिकी नेता ताइवान आएंगे, हर स्तर पर ताइवान का साथ हम देंगे, हर एक स्टेज पर पहुंचकर ताइवान का साथ दिया जाएगा, ये कहना है। ताइवान के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाएंगे, तो ये तमाम बातों का जिक्र किया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि ताइवान और अमेरिका की दोस्ती पर गर्व है। नैन्सी पेलोसी का ताइवान में स्वागत है, राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन। पेलोसी ताइवान की सच्ची दोस्त में से एक है, ये भी त्साई इंग-वेन ने कहा है। अमेरिका के सहयोग के लिए आभार, तो ये तमाम बातों का जिक्र किया गया, ये तमाम बातें निकल कर सामने आई। अमेरिका के सहयोग के लिए आभार त्साई इंग-वेन ने जताया है। पेलोसी ने ताइवान का हमेशा साथ दिया, ये कहना है त्साई इंग-वेन का, और ताइवान हमेशा शांति के साथ ही खड़ा है और हर स्तर पर साथ खड़े रहेंगे, ताइवान पीछे नहीं हटेगा, लोकतंत्र को लेकर नैन्सी की प्रतिबद्धता सराहनीय है। पेलोसी ने ताइवान का हमेशा साथ दिया, ताइवान हमेशा शांति के साथ खड़ा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बताएं, क्योंकि लगातार इन बातों का जिक्र हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रही है, कल से सैन्य अभ्यास करेगा चीन। बड़ी खबर आपको बता रही है, कल से सैन्य अभ्यास चीन करेगा, ताइवान के पास सैन्य अभ्यास करेगा चीन, ताइवान के पास 6 जगह सैन्य अभ्यास चीन करेगा, ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। कल से 7 अगस्त तक सैन्य अभ्यास चीन करेगा, कल से सैन्य अभ्यास चीन करेगा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ताइवान के पास सैन्य अभ्यास चीन शुरू करेगा, तो कल से 7 अगस्त तक सैन्य अभ्यास चीन करेगा।